जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, ओमास पेपर डिस्कस करिबा। प्रीवियस टाइम जो एग्जाम होता इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब रही देखा कौन रही क्वेश्चन। वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे आपण डिपेंड कर फोर्स करें कहिया कथा कहीदे जी भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे। ओके फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही विथ व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट इज एसोसिएटेड। गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 101 फर्स्ट जीएसटी। ओके जीएसटी 101 99th एनजेएससी नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमिशन 100 हूँ सेट टेरिटरी गिवन टू बांग्लादेश 102 हूँ कैंसलेशन ऑफ एसीबीसी माने एसीबीसी को स्टेट आउ आइडेंटिफाई कर पारे ना 102 तो 105 रे पुंतक रिस्टोर कला त माने 105 अमेंडमेंट एक्ट रे कौन हैला ना जोटा रिस्टोरेशन ऑफ एसीबीसी रिस्टोर ऑफ एसीबीसी तक स्टेट गवर्नमेंट एसीबीसी को आइडेंटिफाई कर 105वां अमेंडमेंट एक्ट। टोटल अमेंडमेंट के 105टा। ओके अमेंडमेंट आर्टिकल के 368 कौट आसी साउथ आफ्रिकार आ। सो नेम द ऑथर ऑफ द कोअलिशन इयर्स 1996-2012 प्रणव मुखर्जी। कारण प्रणव मुखर्जी 2012 जाए ही प्रेसिडेंट थे। एवं 15वां किए अच्छा द्रौपदी मुर्मू जे कि फास्ट प्रेसिडेंट मान आफ्टर फास्ट प्रेसिडेंट हु वाज बोर्न आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस पर जे कि बोर्न होती सी हो द्रौपदी मुर्मू। तक पूर्व किए थे रामनाथ कोविंद पूर्व प्रणव मुखर्जी पूर्व प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जे कि फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूर्व थे एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया द विंग्स ऑफ फायर तक इंपोर्टेंट बही मिसाइल ओमेन के टेसी थोमास। व्वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को हेडक्वार्टर कौटी पेरिस बहुत सहज। लंडन हूँ आईएमओ। रोम है एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जेनेवा जेनेवा हूँ आईएलओ। ओके डब्ल्यूएचओ आ इम्पोर्टेंट है डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके पूर्व कौन ना था तार गाट 1995 चेंज होगा डब्ल्यूटीओ। आनाकोंडा 16 ऑर्गेनाइज्ड इन पोलैंड बाय पोलैंड इज ए मिलिटरी एक्सरसाइज। ये नाटो करता से टाइम रहा करंट अफेयर नाटो करता। ओके नाटोर हेडक्वार्टर कौटी ब्रुसेल्स बेल्जियम ब्रुसेल्स। नाटोर मेम्बर संख्या कैसे 30 29टा कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर मैं कौटी ब्रुसेल्स। एथेर कतोटी कंट्री रोच 27टा कंट्री 28टा थे ब्रेक्जिट मैंने ब्रिटेन एक्जिट होगा ए 27टा अच्छी। आइडेंटिफाई द ऑड वन आईसीजे इक्वस ऑफ डब्ल्यूएचओ यूएनएससी। हेडक्वार्टर कौटी आईसीजे हेग्रे इक्वस ऑफ न्यूयॉर्क डब्ल्यूएचओ जेनेवा यूएनएससी न्यूयॉर्क तेणुक हेडक्वार्टर आम किसी पाऊन। देख यूनाइटेड नेशन रो 6टा मेन ऑर्गन अच्छे कौन कौन गोटे जनरल असेंबली गोटे सिक्यूरीटी काउनसिल यूएनएससी जोड़ा। ओके हूँ ट्रस्टीशिप काउनसिल आ गोटे हूँ सेक्रेटेरिएट। ओके आ गोटे आईसीजे आई सी जे जनरल असेंबली सिक्यूरीटी काउनसिल ट्रस्टीशिप काउनसिल सेक्रेटेरिएट आईसीजे आ गोटे इकोसॉक। ओके इकोसॉक जोटा कि ये पांचटार हेडक्वार्टर कौटी न्यूयॉर्क रे। ओके आईसीजे रोच हेग्रे ये कि हेडक्वार्टर कथा पचारे ये देखते 6टा जो मेन बॉडी आईसीजे कहली इकोसॉक कहली यूएनएससी कहली से डब्ल्यूएचओ जाऊनी डब्ल्यूएचओ टी अट। व्हिच इज द चेयरपर्सन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल इन इंडिया। इंटरस्टेट काउंसिल चेयरपर्सन सब किए रे ना प्राइम मिनिस्टर रही है आर्टिकल के 263 एट कौन होता इंटरस्टेट काउंसिल सरकारी कमिशन 1983 बसला 1983 सरकारी कमिशन अनुसार होता इंदिरा गांधी टाइम होता। सो प्राइम मिनिस्टर रही तार चेयरमैन एटा मैंने सेन्टर स्टेट कि स्टेट स्टेट भितर डिस्प्यूट है से तार बुझाणा कर पिक आउट दट जेनेवा ओटावा कानबेरा माड्रिड। माड्रिड हूँ स्पेन कैपिटल कानबेरा हूँ ऑस्ट्रेलिया कैपिटल ओटावा हूँ कानाडार कैपिटल जेनेवा हूँ स्विट्जरलैंड कैपिटल। देन ऑड वन कौटा तेल ऑड वन हूँ जेनेवा कहीं स्विट्जरलैंड कैपिटल जेनेवा नुह स्विट्जरलैंड कैपिटल हूँ बोन। जेनेवार बहुत सारा आमर कौन अच्छी हेडक्वार्टर अच्छे से भाई दूचे जेनेवा हूँ तार हेडक्वार्टर मैंने कैपिटल। इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन यहाँ हूँ नवंबर 25 नवंबर। टू मॉनिटर यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ तो जना पड़ जाऊँगी इलेक्ट्रिफिकेशन पे हमर कौन लॉन्च कराई सौभाग्य स्कीम लॉन्च कराई से
करंट अफेयर। व्हिच डे सेलिब्रेट आज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया 26 नवंबर। बहुत बार आम कही 26 नवंबर 1949 आडप्ट कराई फास्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बसला 9 डिसेंबर 1946 बसला। 13 डिसेंबर में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करागला। 4 फेब्रुआरी 1948 को ड्राफ्टिंग कमिशन ता ड्राफ्ट आनी प्रस्तुत कले फास्ट रीडिंग होता। 26 नवंबर 1949 को लास्ट रीडिंग होता और आडप्ट होता कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझीगला। 24 जनवरी 1950 के 284 मेंबर साइन कले आमर कौन डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को प्रेसिडेंट रूपे ग्रहण करागला। ओके 26 जनवरी आम पालन होगा कॉन्स्टिट्यूशन डे। देन अर्लीएस्ट होली बुक ऑफ हिंदू हिंदू मानक अर्लीएस्ट होली बुक कौटा वेद। राखिने स्टेट राखिने स्टेट कौट अच्छी ना यहाँ हूँ सेतबाला करंट अफेयर न्यूज था म्यांमार अच्छी जो रोहियांग मैंने रोहियांग भी गोटे जगार पड़ा एनटीपीसी पड़ा रोहियांग। ओके रोहियांग रोहियांग कौटिकार अधिकासी म्यांमार म्यांमार जो रोहियांग मुसलिम मैंने से सब छाड़ी पलाऊ देश तो से इंडिया जाए 250 हाउस होल्ड करता कौटी राखिने स्टेट्रे रही रोहियांग मानपाई से न्यूज़ अच्छे। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट मोहनजोदारो मोहनजोदारो हूँ आप सिंध डिस्ट्रिक्ट। ओके इंपोर्टेंट मन रखता। मनुष्य सिलार हूँ किए मिस इंडिया मिस वर्ल्ड 2017। द नेम ऑफ इंडियन किंग हू अपोस्ट अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर के आसते भारत को 326 BC इज इंपोर्टेंट से टाइम रे कि नंद राजा था नंद राजा धन नंद थे तो अपोज करते। ओके बिलो आर गिवेन हेडक्वार्टर्स ऑफ डिफरेंट बॉडीज ब्रिक्स ब्रिक्स बैंक कौन एनडीबी जोटा नेशनल डेवलपमेंट बैंक कौट संघाई रही चाइनार संघाई ठीक अच्छी आईसीओ मॉन्ट्रियल कनाडार मॉन्ट्रियल ठीक अच्छी यूनिसेफ यूनिसेफ्र हेडक्वार्टर हूँ न्यूयॉर्क यूनिसेफ्र हेडक्वार्टर हूँ आपंकर न्यूयॉर्क रे अच्छी डब्ल्यूएचओ हेडक्वार्टर जेनेवार अच्छे तो ऑप्शन ये दुईटा भूल रोचे आंसर कौन हम दुईटा हम आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ब्रीथ्ड लास्ट आर्ट श्रावण बेला गोला श्रावण बेला गोल से जाते साउथ इंडिया में पलिते सी चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाबू सागर जाते। ओके भद्रबाबू सागर में विंध्यागिरी जगह ना हूँ विंध्यागिरी पर्वत विंध्यागिरी। ओके से जगह से 5 दिन काल अनशन करके ध्यान करते डेथ होगा विंध्यागिरी पर्वत रे श्रावण बेलागला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भद्रबाबू क्या सांगे जाते इंपोर्टेंट भद्रबाबू सांगे जाते। ओके यूएन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन यूएन डे 24 अक्टोबर। ओके 24 अक्टोबर भी यूएन डे रूप पालन कर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द टाइटल नेपोलियन ऑफ इंडिया नेपोलियन ऑफ इंडिया किए पाई ना समुद्रगुप्त किए देते वी ए स्मिथ देते नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य वंशर मौर्य डायनेस्टर फाउंडर कुमारगुप्त जी कि नालंदा यूनिवर्सिटी करते बिहार रे नालंदा यूनिवर्सिटी करते बख्तियार खिलजी ध्वंस कर। नेम द चीफ कॉज ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर मोगल एम्पायर और डिक्लाइनेशन फानाटिसिज्म ऑफ औरंगजेब डेक्कन पुलिस ऑफ औरंगजेब विक सक्सेसर औरंगजेब सब जाक ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन वाज रिपीटेड बाय हर्षवर्धन आउ पुलकेशी 2 एटा जानिथिबे एई होल इंस्क्रिप्शन ने एटा को लिखाई जी रविकृति द्वारा एई होल इंस्क्रिप्शन किए लिखिथिले रविकृति। ओके पुलकेशी 2 हर्षवर्धन हर्षचरित किए लिखिथिले बनभट्ट बनभट्ट लिखिले कौन हर्षचरित कादंबरी हर्षचरित कादंबरी किए लिखिले बनभट्ट कि हर्षवर्धन कौन लिखिले प्रियदर्शिका रत्नावली ये लिखिथिले रत्नावली प्रियदर्शिका हर्षवर्धन लिखिथिले मन रखता। ये पुलकेशी 2 हूँ कह चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशी 2 ये हूँ चालुक्य हर्षवर्धन हूँ पुष्यभूति पुष्यभूति मन रख इम्पोर्टाट। द लास्ट ग्रेट पेशवा हु रूल्ड फ्रम 1761
72 किए माधव राव। प्रॉफेट मोहम्मद केबे जन्मग्रहण करते 570 एडी रे कोठी ना मक्का मक्का सऊदी अरब रो। ओके परमानेंट सेटलमेंट बहुत बार आम डिस्कस कर पॉलिटी रे लॉर्ड कॉर्नवेल्स परमानेंट सेटलमेंट कोड स्टार्ट करते बेंगल रे। ओके जमीदारी सिस्टम जोड़ा तापर वारेन हेस्टिंग होती आमर जोड़ा कि फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रॉबर्ट क्लाइव होती फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल तापर वारेन हेस्टिंग होती फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रॉबर्ट क्लाइव जी सिराज उद्दौला शाह पलासी युद्ध करते 1757 में। लॉर्ड वेल्सली होती कौन आमर सब्सिडियरी अलायंस जोड़ा कि निजाम ऑफ हैदराबाद फर्स्ट टाइम ग्रहण करते सब्सिडियरी अलायंस। देवला देवी वाज मैरिड टू द अलाउद्दीन एल्डेस्ट सन किए खिरीज खां अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टर फाउंडर किए घियासुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इंपोर्टेंट को पॉलिसी ग्रहण करते ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मन रखता ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी तर चार्टा पुओ थे तार बड़ पुओ ना कौन खिरीजी खां। लॉर्ड मिंटो फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एबे आपन को कहली जो लॉर्ड वेल्सली आनीतला सब्सिडियरी अलायंस सो सी फर्स्ट टाइम पे नॉन इंटरवेंशन आनीतला कि वेल्सली। ओके लॉर्ड वेल्सली आनीतला नॉन इंटरवेंशन फर्स्ट टाइम पे जोड़ा कि सब्सिडियरी अलायंस आनीतला निजाम ऑफ हैदराबाद ग्रहण करतला तो लॉर्ड मिंटो मध्य से नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी ग्रहण करतला। लॉर्ड मिंटो टाइम रे इंपोर्टेंट मन रखु ये बाबू कौन करते ना मुस्लिम लीडर मानक नहीं कि सिमला पलिते जहाँफल 1906 प्रवर्त की मुस्लिम लीग फॉर्मेशन करते। ओके जी कि इंपोर्टेंट 1907 सुरट स्प्लिट होता जानते राजबिहारी घोष थे इंपोर्टेंट मन रखा राजबिहारी घोष नॉट बोस थे आईएनसी प्रेसिडेंट 1907 मल्लेमेंटरी रिफॉर्मेशन आक्ट जोड़ा कि सेपरेट इलेक्टोरेट कारण मुस्लिम लीग करते ना तो सेपरेट इलेक्टोरेट करते मुस्लिम मानक 1909 सो सब पढ़े 1919 बाई कैमरा रिलीजन 1909 हो सेपरेट इलेक्टोरेट। लॉर्ड मिंटो हु इनवाइटेड बाबर टू इंडिया सबुठ कम वर्ष मोगल राजा किए थे बाबर 12 वर्ष होते पिला कन्फ्यूज होते अकबर सहित अकबर होते 13 वर्ष अकबर करोनेशन कराई 13 वर्ष पेटिकोट गवर्नमेंट जहाँ कहुए कार अकबर। ओके तो बाबर को किए डकईले भारत को किए डकईले ना दौलत खां लोधी आलाम खां आउ जो थे राणा सांगा ये डकेला तार सांगे युद्ध होता सेकेंड जोड़ा कि 1527 बैटल ऑफ खाना। ओके सो इनवाइटेड बाबर जे कि फर्स्ट टाइम पे यूज करते गन पाउडर उस्ताद अली बुझुते गन पाउडर यूज करते बाबर तर चार्टा युद्ध इंपोर्टेंट युद्ध कौन 1526 बैटल ऑफ पानीपत का सांगे इब्राहिम लोधी। ओके तापरे एबे कहली आपन को 1527 बैटल ऑफ खानुआ का सांगे राणा सांगा। ओके 1528 बैटल ऑफ चंदेरी ये था मेदिनी रॉय। ओके 1529 बैटल ऑफ घाघरा गोली घंटे आई गला 1528 बैटल ऑफ चंदेरी ये ला मेदिनी रॉय तापर 1529 बैटल ऑफ घाघरा सुल्तान और अफगान मान सामने लड़ी थे सुल्तान सब अफगान 1530 ओम शांति 1530 मरते जोड़ी नहीं कौट आग्रह पोते पुणी खोल नहीं पलैले कौट काबुल को बाबर को मन रखता हु यूनाइटेड द सिक्स इंटू वन कंपैक्ट इन स्पाइट ऑफ देयर 12 मिसिल्स मान 12 किंगडम पंजाब को से 12 किंगडम विभाजित कराई तो किए जॉइन करते रंजित सिंह राजा रंजित सिंह। द ब्लैक कलर ऑफ रेगुर सॉइल माने ब्लैक जो सॉइल जो था हमर कोड देखा जाए डेकान प्लाचू रे देखा जाए मेनली वेस्टर्न कोस्ट रे माने वेस्टर्न साइड जेंती महाराष्ट्र हो महाराष्ट्र गुजरात एपोर्ट साइड देखा जाए कॉटन चाष बहुत भल हुए रेगुर सॉइल से कौन अधिक अच्छे देखते आमर
आयरन अच्छी ह्यूमस अच्छी आलुमिनियम अच्छी आयरन ऑक्साइड मेन देखो रेड कलर पर ओके तो आलुमिनियम जेहतु अधिक आज तो आम आलुमिनियम ऑक्साइड आपको ऑप्शन मार ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लखनऊ टाउन एटा बहुत सहज कॉम्पिटेटिव पिला माने ये तो मुहरे रहइबो पूरा बहुत सहज एटा लखनऊ टाउन गोमती नदी कूल रही बारीडोब अकर्स बिटवीन रिवर्स बारीडोब पंजाब रो जो रिवर्स जाइए भितर जो डोब रही ना सब दिखाई तो बारीडोब अकर्स बिटवीन एटा हूँ सतलेज बीज रवि तीन टा रिवर भितर जा बारीडोब तो सतलेज रवि सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर पर्टिकुलर तो देनी सतलेज बीज तो सतलेज रवि भितर जा बारीडोब। लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया साउथ इंडिया सबुठ बड़ रिवर किए ना गोदावरी आम जाने महानदी हूँ आम ओडिशार सबुठ बड़ नदी भारत सबुठ बड़ नदी है गंगा नदी ओके वर्ल्ड रहा नील रिवर नील नील जोटा कि इजिप्ट अच्छे नील रिवर ओके। हिमालय वाज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग हिमालय केरिजिनेट कर मेसोजोइक पीरियड हिमालय हूँ कौन कही आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स प्रीवियस जो लास्ट आम जो दुईटा मुझे क्लास देखिए आपंकर सीजीएल ओमास अब बीएसएसपी से लास्ट क्लास में डिस्कस करी माउंटेन उपरे तो यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालय हो आल्प्स हो आपणकर रॉकी हो युवा सब कौन यंग फोल्ड कही आपको तो ओल्ड फोल्ड किए जा आरावली आरावली हूँ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स मेसोजोइक पीरियड में फॉर्मेशन होता हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट हाईएस्ट पीक से वीडियो में कही वेस्टर्न घाट एटा ईस्टर्न घाट तक मिलन स्थली है नीलगिरी नीलगिरी है डोडाबेटा है नीलगिरी वेस्टर्न घाट रहा अन्नाई मुड़ी ओके महेन्द्रगिरी है ईस्टर्न घाट मेजोस्फीयर मेजोस्फीयर क्या क्या भितर अच्छी स्ट्राटोस्फीयर एक्जोस्फीयर भितर मेजोस्फीयर अच्छी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन ऑन 21 मार्च 21 मार्च जोड़ा कि आम हो इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स माने डे और नाइट समान तो ऑब्वियसली नून रे सन केते डिग्री एटा जदि आप जानते हैं करेंगे मैंने इक्विनॉक्स ओके मार्च 21 सेप्टेम्बर 23 दुटा इक्विनॉक्स तो ये 90 डिग्री फॉर्मेशन कर एंगल क्रिएट कर लैब्राडोर करंट फ्लोज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट देती तो से ग्रीनलैंड हम जब ईस्टर्न कोस्ट देता कानाडा कि यूएसए होता ओके ग्रीनलैंड कोल ऑफ दामोदर वैली रीजन इज असोसिएटेड विथ एट हूँ गोंडवाना गोंडवाना फॉर्मेशन दामोदर वैली जोड़ी कि बिटुमिनस कोयल बहुत ये प्रड्यूस हुए ओके गोंडवाना फॉर्मेशन बिटुमिनस बिटुमिनस कोयल बिटुमिनस कोयलटा बहुत यूज हुए कौटी आम कंपनी माने कंपनी कहते मैंने ऑर्गेनाइजेशन जो कलकारखाना जो इंडस्ट्री नियाग्रा फॉल्स इज लोकेटेड बिटवीन एटा हूँ यूएसए कानाडा भितर अच्छी सी कितु नियाग्रा फॉल लोकेटेड बिटवीन दुटा लेक भितर एरिया ओंटारियो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एंटी डिफेक्शन लॉ एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत बार डिस्कस करे 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ एटा हूँ 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 बहुत बार मुझे ओके एंटी डिफेक्शन लॉ माने गोटे पार्टी आप गोटे पार्टी को जापरेंगे ना कि महाराष्ट्र केमी गले रिजन हूँ 2/3 मेजोरीटी माने दल रु 2/3 लोक मेम्बर्स मैंने चाहिए कौन अगर दल मिस तो से जगह एंटी डिफेक्शन लॉ काम करना ओके जापरेंगे कारण 2/3 मेजोरीटी होगा 10th शेड्यूल अच्छे कतटा शेड्यूल 12टा शेड्यूल अच्छी 7th शेड्यूल जोटा कि लिस्ट ओके सेटा इंपोर्टेंट 8th हूँ आप जानते जोटा कि लैंग्वेज तार 5th हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव 5th शेड्यूल ट्रेड विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर माने नॉर्थ ईस्ट रु आसीबो कोठी जीवो साउथ ईस्ट को ओके ए दुटा खाली मन रखु नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे ट्रेड विंड नॉर्थ ईस्ट साउदर्न हेमिस्फीयर रे साउथ ईस्ट तापरे भाकरा डैम ये तो बहुत सहज सतलेज रिवर उपर अच्छी भाकरा डैम। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पीड इम्पीड माने बाधा करवा ओके जोड़ा कि ऑब्स्टेकल करवा हिंड्रांसेस स्नार्ल एगुटा सहित वार्ड इम्पीड करवा
और प्री जुडिस माने पक्षपात तो एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन में तार ताकि बाधा दबा नहीं कार स्टेट रो जो एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 257 एटा कोज आर्टिकल 257 इंपोर्टेंट मन रखु 358 आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि कौन आर्टिकल 19 जोटा कि सस्पेंशन हम आपणकर ड्यूरींग इमरजेन्सी से आर्टिकल 358 मन रखु। बाकरा डैम गला सतलेज रिवर आइडेंटिफाई एमंग द फॉलोइंग द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड व्हेदर बिल इज मनी बिल और नॉट मनी बिल किए नुह एटा किए डिसाइड करिवो ना स्पीकर ऑफ लोकसभा से साइन कले ही जाकि जना पड़ो मनी बिल कि नुह। अच्छा मनी बिल उपर जॉइंट सेटिंग बसव कि ना बस बना मनी बिल आमेंडमेंट बिल आप जॉइंट सेटिंग बसी पारिवो नाही मन रखता। हाईएस्ट पिक ऑफ डेकान प्लाजू डेकान प्लाजू भी सही आनाई मुड़ी मन रखता वेस्टर्न घाट रनाई मुड़ी। आइडेंटिफाई द वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रिंग द रिजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौटू आसो वाइस प्रेसिडेंट एटा आसो राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 रिमूव हो पार आर्टिकल के 67 बी दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा नोट करूँ रिमूव हो पार 67 बी डेप्थ क्वेश्चन एटा रिमूव ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 67 लिखाई आर्टिकल। देन हु कमेंटेड पावर द फास्ट लव ऑफ एवरी पॉलिटिशियन ये मन रखते पावर द फास्ट लव ऑफ एवरी पॉलिटिशियन सेंटेंस मन रखते यहाँ कही किए ना रजनी कोठारी रजनी कोठारी। आइडेंटिफाई इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पंचायतराज इंस्टीट्यूशंस इलेक्शन इन ओडिशा रिजर्वेशन फॉर वुमेन वाज रेज टू 50% ऑफ स्टेट्स 50% वुमेन मानक रिजर्वेशन दि जाता को पंचायत इलेक्शन यहाँ होगी 2011 आसाला 50% सीट बढ़ेगा तो अभीअसली 2012 इलेक्शन ओके पंचायतराज इलेक्शन दि जाता 2012 ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जदि 100 क्वेश्चन आपणकर बोरोड माने जोटा कि आसी मानते विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशन आसी पचरा जाए तो 100 क्वेश्चन रु आपणकर आउट ऑफ 100 विल गेट 80 क्वेश्चन दैट इज डीपीएसपी ओके माने 80 क्वेश्चन आपण पाइबे जे डीपीएसपीटा कौटु आसी आउ 20 अन्य कौन जी जमी आप पड़ता सिंगल सिटीजनशिप हो कि कनकरेन्ट लिस्ट हो ये कौट कौट आसत ना 80 जो क्वेश्चन जब 100 आसतल से डीपीएसपीटा कौन कंट्री आसी यहाँ ही क्वेश्चन आसे तो दैट इज आयरलैंड ओके आयरलैंड आउ गोटे इंपोर्टां पड़ी कौन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये आसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल के कौज प्रोसेस ऑफ इलेक्शन 54 आर्टिकल मन रखु जमी पड़ता आप 55 थर्ड जोड़ा पड़ता आप सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहाँ मैनर ऑफ इलेक्शन जा प्रोसेस ऑफ इलेक्शन 54 जदि आप क्वेश्चन आसो जो आम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा राज्यसभा वोट कर प्रेसिडेंट को यहाँ कौ आर्टिकल लिखाई से आर्टिकल 54 ओके बुझीगला आपणकर जो इलेक्टेड मेंबर्स मान इलेक्टेड मेंबर्स मैंने वोट देते स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो कि आपणकर लोकसभा हो कि राज्यसभा हो यहाँ कौ आर्टिकल अच्छे आर्टिकल 54 अच्छे प्रोसेस ऑफ इलेक्शन 55 हूँ मैनर ऑफ इलेक्शन जोटा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ओके 56 हूँ आपणकर जोटा कि टर्म 57 हूँ री इलेक्शन सब अच्छे 60 हूँ वोट 61 हूँ इंपीचमेंट इंपोर्टेंट मन रखु आर्टिकल गुड़ा सब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव द रूलिंग दैट द पार्लियामेंट डिड नॉट हैव द पावर टू डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वालिटी वीडियो रे मु आपनको कहिछि एटा होजी केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 रे कौन सुप्रीम कोर्ट कहिला जे तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल राइट कि तुम्हें जहाँ कहिया कथा तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस करिया था करो किंतु बेसिक स्ट्रक्चर जमी चेंजेस न हुए तुम्हें आमेंडमेंट कर तार बेसिक स्ट्रक्चर उपर ध्यान रख बेसिक स्ट्रक्चर जमी तार माने किसी न बदले कॉन्स्टिट्यूशन किंतु बेसिक स्ट्रक्चर कौन आज किसी मेंशन है किंतु से डिसीजन आए बेसिक स्ट्रक्चर जमी न बदले ओके 1973 एट सब बड़ जज बेचेस बसला 13 जनिया जज बेचेस बसला केशवानंद भारती केस ओके एटा किए थला एसएम सिक्री ये इंपोर्टेंट मन रखु ये टी डेप्थ हो बट मन रखा पड़ो केशवानंद भारती केस रे मेन किए थला एसएम सिक्री चीफ जस्टिस आकरी ही 13 जनिया बेंच रे हेड थे एसएम सिक्री ओके
एटा गला कन्सियो डीटी प्रिंसिपल गला इंडियन फेडरेशन कैन बी कन्वर्टेड इंटू यूनिटरी वन आमर जो फेड आमर हूँ फेडरेसन कंट्री कौन फेडराल कंट्री कितना प्रकृत में आम कंट्री हूँ गोटे फेडराल कंट्री नुह आम कंट्री हूँ कौन गोटे क्वासी फेडराल फेडराल कंट्री मैंने कौन यूएस हूँ गोटे फेडराल कंट्री तार दुईटा पावर सेन्टर गोटे पावर स्टेट्र गोटे पावर सेन्टर गोटे दौर सिटीजेनसीप स्टेट दौर गोटे सिटीजेनसीप सेन्टर गोटे ल कर स्टेट गोटे ल कर स्टेट तार चाहिए बाहरी आसपार यूएस जो पचासटा स्टेट अच्छी यूएस कतटा स्टेट अच्छी पचासटा तो गोटे स्टेट जी चाहिए बाहर से बाहरी पार कि आमर इंडिया कौन इंडिया किटा सेम रोच देखो कौन सेम रोच ना आम सेन्टर में पावर दिया स्टेट पावर दिया सेन्टर ल तैयारी कर स्टेट भी ल तैयारी कर किंतु आमर पावरटा स्टेट्र पावरटा सब सेन्टर ठीक कम मैंने सेन्टर पावरटा आम ठूँ अधिक आउ गोटे जिनस आमर लिखाई यूनियन अफ स्टेट्स आर्टिकल वन कौन कौन यूनियन अफ स्टेट तमें आम स्टेट मैंने बाहरी पारे ना सी कहशा आदि कह गए देश होपर कौन सी स्टेट चाहिए गोटे देश बनी पार ना अलग हो पार ना भारत तो यूनियन अफ स्टेट से कहुई तो से कहुच्छे कौन कि मात्र फेडराल कि मात्र नुह तो क्वासी फेडराल रूपे आम भारत कॉन्स्टिट्यूशन को निजाए ओके सो यहाँ केत सबुजा पावर पलब क्या आगू यूनियन उपरू पलब तो ड्यूरी नेशनाल एमरजेन्सी से ही सब पावर यूनियन पर पड़े यूनियन जहाँ चाहिए से यूनिटरी हो मेम्बर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज एनाक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन माने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केमिति जाइथिले कॉन्स्टिट्यूशन जो मेम्बर थे कोई 200 केते थे 299 थे ओके 227 थे 72 जोटा कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्टेट 72 227 प्रोविन्सल स्टेट्रु थे 237 सो केमिति बछा हो ना इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस सोटू जाऊ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एटा बहुत भल क्वेश्चन ना स्टेट जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 9 December 1946 फर्स्ट टाइम बसला तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट टू एस्टैब्लिश इंटरस्टेट काउंसिल कहली 263 आर्टिकल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रही कौन तार हेड रही 263 1983 बनी सरकारिया कमिशन में बसला तो टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस स्टेट्स और स्टेट्स एंड सेंटर डिस्प्यूट हेले व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर अंबेडकर द हार्ट एंड सोल एटा बहुत सहज आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एटा किए दबो कंसोलिडेटेड फंड दबो कंटिजेंसी फंडटा केते एटा होची 266 ओके एटा कंटिजेंसी होची 267 आर्टिकल कथा कहू छी कंटिजेंसी फंड कहार अधिकार अच्छी प्रेसिडेंटर अधिकार जोड़ा कि इमरजेन्सी टाइम में ही कंटिजेंसी फंड को सांसन कर प्रेसिडेंट तो सालरी जो आसो सब जहाँ सब सालरी आसो कि खर्च आसो जहाँ सब के पैसा आसूसी जाऊँगी गोटे देशर रेवेन्यू के कमा हो तो से सब जिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु जीवो ओके आर्टिकल 266 सो हाइकोर्टर आर्टिकल के बहुत बार कही हाइकोर्ट आर्टिकल 214 किंतु जदि पचार यूनियन टेरिटोरी आर्टिकल के 241 यूनियन टेरिटोरी हाईकोर्ट बस 241 स्टेट्रे बस 214 ओके 217 होगी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस 222 हूँ ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर आर्टिकल आर इन द इमरजेंसी ऑफ द इमरजेंस ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स क्रोनोलॉजिकली क्रोनोलॉजिकली देज कर ओके जानवा फास्ट किए कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन कांग्रेस माने ट्रेड यूनियन बनी था 1920 लाला लाजपत राय द्वारा यहाँ बहुत इंपोर्टेंट मन रखा पड़ो ओके हिंद मजदूर सभा यहाँ 1948 ऑल इंडिया किसान सभा यहाँ भी मन रखुद 1936 ऑल इंडिया किसान सभा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स 1937 तो फर्स्ट किए आसला 1 सेकेंड आसला 4 3 2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ जमा भूल नहीं 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ओके एटा कांग्रेस रो आकु फॉर्मेशन करथला इंडियन नेशनल कांग्रेस तापर 1945 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया संगे मिसिकी रहछ ओके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1945 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तापूर्व थला इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस ही आकु फॉर्मेशन करथला लाला लाजपत राय द्वारा कंप्यूटेशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज मेड बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने ए क्लास क्वेश्चन एटा बहुत जो माने डेथ को जदि पढ़िबे ताले जानि पेरे न जानि पेरिबे
से सब पचार जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स अच्छी जानते इंडिया रैंक के 135 तो से कहे कौन टा डिसएडवांटेज तीन टा डिसएडवांटेज महिला मानक नहीं ही जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बाहर कराए तो सेटा कौ तीन टा जिन से कहे आपंकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट ये तीन टा जिनको नहीं कर डिसएडवांटेज को लेकर आम जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स मपा जाए ओके बहुत बहुत इंपोर्टेंट यहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ मानक देखो जो महिला मैंने कम वर्ष से माँ हो जाऊँच जोड़ा कि बहुत गोटे खराब जिनस मानने चाइल्ड म्यारेज जोड़ा बहुत मानने कौन बहुत कम वर्ष से पिला बाहर करदे तो कम वर्ष से गोटे जदि महिला माँ हो तो पिला सांगे से माँ प्रति दिज जीवन प्रति विपद थाए ये गोटे जिनस एजुकेशन एम्पावरमेंट केते मात्रा रे से माने एजुकेशन एम्पावर करते मात्रा से मानकर सीट रिजर्वेशन कराऊ पार्लियामेंट रे तो ये सब जिनस पार्टिसिपेशन लेबर मार्केट जे लेबर मार्केट से माने काम करछन्ती गोटे माने मेल आउ फीमेल तांकर रेशियो केते रहउची काम करछन्ती फील्ड रे हु हाज एडवोकेटेड प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया फॉर एलिवेटिंग पॉवर्टी इन इंडिया ओके सो कौन देटा एमिनिटीज रूराल एरिया फर एलिवेट मैंने कमेबा पॉवर्टी मोहनदास करमचंद गांधी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ बही जवाहरलाल नेहरू इन हिज बुक द डिस्कवरी इंडिया पीएस मिन्सा इन हिज प्लानिंग एंड पुअर एपीजे अब्दुल कलाम इन हिज इंडिया 2020 किए लिखी जवाहरलाल बही था डिस्कवरी इंडिया रोच बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी देन बीएस मिन्हास इन हिज प्लानिंग एंड द पुअर एपीजे अब्दुल कलाम इन हिज इंडिया 2000 विजन ऑफ न्यू इंडिया एटा ऑप्शन डी ओके एपीजे अब्दुल कलाम एटा को लिखी थे कौन प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया माने अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया माने कौन माने से कही थे जे जो जिनस अर्बन रे अर्बन लोक मान जो फैसिलिटी मिलूँ जो काम मिलूँ जी फैसिलिटी मिलू से फैसिलिटी कौट मिलवा दरकार ना लोकल लेवल से ही काम रूराल लेवल मिलवा दरकार ओके से बहर लिखा एपीजे अब्दुल कलाम इन हिज इंडिया 2020 ए विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम से बहर लिखते व्हिच फाइव ईयर प्लान इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एम्फासाइज्ड सस्टेन्ड ग्रोथ ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज देखो इनक्लूसिव ग्रोथ आम डिस्कस करे कौथर होता इनक्लूसिव ग्रोथ जोटा कि इलेवेन्थ फाइव इयर प्लान सो इलेवेन्थ फाइव इयर प्लान रे सब प्रकार जिनस को मिसा जाता है मानने फोकस कराइला एजुकेशन हो आपंकर आईटी हो एम्प्लॉयमेंट हो से तो मनमोहन सिंह कही कौन एजुकेशन प्लान इलेवेन्थ फाइव इयर प्लान को कही एजुकेशन प्लान कही तो यही सब जिनस फोकस कराइला तो आईटी बा इनफर्मेशन टेक्नोलोजी इलेवेन्थ फाइव इयर फाइव इयर प्लान कहला ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंप्यूट द टोटल फर्टिलिटी रेट माने गोटे महिला ता जीवन काल भितर तर केतेटा बर्थ से दे पारिबो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स बाय अ वुमन ड्यूरिंग हर एंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड ओ नंबर ऑफ वुमन नहीं रेशियो ऑफ वुमन नहीं द नंबर ऑफ टोटल बर्थ्स लाइव बर्थ्स प्लस नहीं द फर्स्ट नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स बाय अ वुमन ड्यूरिंग हर एंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड रिप्रोडक्टिव पीरियड टाइम रे से टोटल केतेटा बर्थ दे पारिबा माने टोटल नंबर ऑफ बर्थ से तार कौन टोटल फर्टिलिटी रेट मन रखु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी माने कौन एटा इजिली जानी हेजिबो जो गोटे स्क्वायर किलोमीटर केते लोक रहउछन्ती ओके स्क्वायर मीटर तो नुह ऑप्शन तो नुह स्क्वायर किलोमीटर रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ठीक कौन अच्छे लोक मान कथा कहूँ नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिविंग पर स्क्वायर माइल नुह किलोमीटर ऑप्शन डी एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर ओके इन इंडिया ए शेड्यूल्ड बैंक इज वन व्हिच इज एंटर्ड इन द बैंकिंग रेगुलेशन आक्ट 1934 रेगुलेशन आक्ट जोड़ा आसाला सेकेंड शेड्यूल आरबीआई आक्ट 1934 ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट जो गुड़ा 1934 आक्ट जो मैंने साइन करते मैंने पब्लिक सेक्टर जी प्राइवेट सेक्टर बैंक जी केवल मानने कौन गवर्नमेंट बैंक आरबीआई को छाड़ी गोटा हो शेड्यूल बैंक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया के 1975 होता यहाँ
पिला मानक 6 वर्ष रु कम वर्ष पिला मानकर तांकर माने हेल्थ कंडीशन शिक्षा तांकर किन भलो हो सेति पे प्रोग्राम लॉन्च कराइतला ता सहित मा मानकर मध्ये हेल्थ कंडीशन उपरे दिया जायतला सो ऑप्शन ए होबो आपनकर राइट आंसर. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन. फॉरेन कोलैबोरेशन माने कोन जतलो इंडियन गवर्नमेंट रो सहित अन्य फॉरेन कंट्री रो कंपनी माने जतलो फार्म माने पार्टिसिपेट करबे जॉइंट पार्टिसिपेशन बिटवीन फॉरेन फार्म्स एंड इंडियन गवर्नमेंट एटा सहजटा जानिए जाउ छी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. नॉन कन्वेंशनल विंड एनर्जी सोलार एनर्जी टाइडल एनर्जी सो कोडा नो एनर्जी फ्रॉम बर्निंग एनिमल डंग. व्हाट इज मीन बाय फूड प्राइस इन्फ्लेशन. फूड प्राइस इन्फ्लेशन केत बड़ा इट इज शार्पर इनक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स रिलेटिव टू द ओवरऑल प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ओनली. थ्रू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हाज बीन अबोलिस्ट केबे अबोलिसला 1991 ने कारण एलपीजी पॉलिसी 1991 आसतला. इट इज स्टिल वैलिड फॉर फॉलोइंग इंडस्ट्री केतरा इंडस्ट्री पे तथापि लागी छि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी सेटा होची आपनकर एडा ऑप्शन सी डिफेंस इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस में हैजर्डस केमिकल्स सिगार्स माने जो ड्रग्स उडा सु सिगरेट ड्रग्स उडा सु प्लाईवुड ओके आ ऊपर ए बेबी लाइसेंसिंग पॉलिसी काम करू छ. व्हिच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री दैट इज एडिबल ऑयल्स. इन ए फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर. टॉप कंज्यूमर की होबा आपनकर ऑब्वियसली कार्निवोरस होबा हरिवोरस होबा ने बैक्टीरिया होबा ने आइदर कार्निवोर टॉप कंज्यूमर माने ऑब्वियसली कार्निवोरस ही होबा. विथ व्हिच द कॉल मनी मार्केट डील्स. कॉल मनी माने जोटा कि गोटाए दिन पे आपनको लोन दिया जाए सेटा हो कॉल मनी जदि 15 दिन भितर आपनको लोन दबार अछि लेंड करा जाए सेटा हो नोटिस मनी. सो शॉर्ट टर्म मनी एटा कोन लागि लॉन्ग टर्म एटा शॉर्ट टर्म गोटाए दिन पे दिया जाए वेरी शॉर्ट टर्म फंड्स ओके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हाउ इज ऑक्सीजन साइकिल अफेक्टेड. ऑक्सीजन साइकिल ह्यूमन एक्टिविटीज ऑक्सीजन साइकिल अफेक्टेड होती कारण विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री बनाऊँ गच काटि दौरान रनिंग ऑटोमोबाइल्स आफ्टर मध्य होती कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल एटा नुह एक दुई. व्हिच वन इज ए सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू. नॉन टैक्स रेवेन्यू मैंने जो गवर्नमेंट को टैक्स दौन कि रेवेन्यू कमाऊँ कौर ना जो फाइन किए दे किंवा कौन से इंटरेस्ट आसला इंटरेस्ट रिसीप्ट है फाइन आसला ओके युवा सब जोटा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू इंडिया गवर्नमेंट कमाऊँ ओके. प्रोजेक्ट टाइगर एटा बहुत सहज 1973 रे होता प्रोजेक्ट टाइगर. द अबंडेंस ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन विद इट्स हैबिटेट प्रचुर परिमाण में गोटे स्पीशीज गोटे तार हैबिटेट रहिले ता कौन कह जाए नाइक डेंसिटी. रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड ए पर्टिकुलर बटरफ्लाई आज स्टेट बटरफ्लाई किए कर अरुणाचल प्रदेश. इफ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी सम बार्ड्स टॉकिंग अलोंग साइड द कैटल. देखिदेवे के चढ़ई कौन गाई पछ पछ जाती इनसेक्ट खाए कौन कह जाए कॉमन मीना ऑप्शन बी ओनली टू ओनली ऑप्शन बी. कंपेयर टू 50 इयर्स अगो द थिनिंग ओजन लेयर हैज प्रोड्यूस्ड ड्रामेटिक इनक्रीज इन केस ऑफ जो पतला हो जाऊँ ओजन लेयार ताफर कौ रोग बेस हो स्किन कैंसर ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट रे आज डायरेक्ट पड़िया कौन हो स्किन कैंसर सेकेंडली आई कैट्राक्ट्स दीटा तीन चार मैंने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बी. व्हाट इज बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानको डिकम्पोज करने के मात्रा ऑक्सीजन दरकार दैट इज व्हाट ऑक्सीजन बीओडी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन जदि ता लेबुल पाँच माने जो डिमांड लेबुलटा पाँच तलूक रहा पीओडी ताले पानी ठीक अच्छे माने सफा अच्छे क्लीन अच्छे वाटर किंतु जदि ग्रेटर देन 17 रहा जी 17 उपरू ऑक्सीजन डिमांड रहा तो ऑक्सीजन को डिमांड कर ऑक्सीजन ना पानी तो बहुत अपरिष्कार से ऑक्सीजन को डिमांड कर तो जो लेबुल 17 उपरू गला पूरा पल्यूटेड ओके जदि लेस देन 5 है पूरा स्वच्छ पा अच्छे कारण ऑक्सीजन डिमांड एत मागू ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने कारण पाखे अवेलेबल अच्छे ऑक्सीजन ओके. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड आज पॉल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर आर्सेनिक जीव फ्लोराइड जीव यूरेनियम जीव एक तीन पाँच ऑप्शन सी. रिसेंट स्टडीज इंडिकेट दैट टू ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंपोनेंट्स एयर पॉल्यूशन
मेजर सिटी मान कोड़ा ना कार्बन मोनोक्साइड आउ ओजोन ये दुटा। क्लोनिंग क्लोनिंग कौन क्लोनिंग हूँ दुटा मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल देन जेनेटिकल आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म्स दुटा बोथ ए एंड बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कोटा करेक्ट नुह कॉमेट्स आर मेंबर्स ऑफ सोलार सिस्टम ठीक अच्छे दे हैव ब्राइट एंड लॉन्ग टेल ठीक अच्छे टेल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन एटा भूल अच्छे दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाइली इलेप्टिकल ऑर्बिट्स तल ठीक अच्छे तल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कोटा नुह दे ऑप्शन सी। एरोसोल एरोसोल इज द हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड गैस रे लिक्विड सॉलिड मिसो काई लिक्विड एंड सॉलिड ऑप्शन बी। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कौन रहइबो वर्चुअल रहइबो इरेक्ट रहइबो सेम साइज रहइबो वर्चुअल इरेक्ट रियल वर्चुअल बिहाइंड द मिरर सेम साइज ऑप्शन सी वर्चुअल रहइबो बिहाइंड द मिरर एंड द सेम साइज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैग्नेटिक कोटा मैग्नेटिक नो आयरन कोबाल्ट निकेल तो सब मैग्नेटिक केवल लीडटा हमरो मैग्नेटिक नो। द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्सन ऑफ अ टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस केल्विन टू सेल्सियस हेले आपनको होची -273 एटा और टेम्परेचर सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर केल्विन -273। ए चाइल्ड ईट्स फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड अवॉइड्स प्रोटीन प्रोटीन के अवॉइड करले कौन हबो ऑब्वियसली ताको क्वासिओकर हे जीवो। व्हेन एंटीबॉडीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अदर एनिमल्स आर इंजेक्टेड इनटू योर बॉडी व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी डू यू गेन को इम्यूनिटी मिले ना आर्टिफिशियली पासिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कारण आम बाहर जगह पाइले तो पासिव होगा और इंजेक्शन थ्रू आसा मैंने कौन है आर्टिफिशियल हो कारण जो माँ गोटे पिला को क्षीर दौर सी जो एंटीबॉडी पाँच से मानने पासिव किंतु नेचुरली नेचुरली पासिव एक्वायर्ड। ओके नॉट ग्रीन हाउस गैस तो जना पड़ जाऊँ नाइट्रोजन गोटे ग्रीन हाउस गैस नुह। फॉलोइंग इज नॉट लिंक्ड टू इम्बैलेंस डाइट कौटा नुह थैलासेमिया हार्ट डिजीज ऑस्टियोपोरोसिस डायबिटीज तो एटा होची थैलासेमिया थैलासेमिया जोड़े कि माने इम्बैलेंस डाइट से तो कोड़ा नुह हार्ट डिजीज हम ऑस्टियोपोरोसिस डायबिटीज हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज बोथ एक्जोक्राइन इंडोक्राइन एक्जोक्राइन कोड़ा जोड़ा डॉक्ट द्वारा जोड़ा माने सेल तार प्रोडक्ट बाहर करुची जमीक आम कौन झाल स्वेट ग्लैंड से गोटे कौन हो एक्जोक्राइन एंडोक्राइन माने जोड़ा कि ब्लड धीरे ब्लड स्ट्रीम तार मिसाई दूसरे सेल प्रोडक्ट गुड़ा से गुड़ा होती एंडोक्राइन तो पैनक्रियास दुटा काम करुच्चे तो दैट इज व्हाट इज नोन एज बोथ आज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। बैटरीज इलेक्ट्रिक सीएफएल बल्ब्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ये कौन रिसाइक्लेबल एंड हैजार्डस वेस्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन यू प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विथ ए नोजल केप्ट इन वाटर एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स तेल कौन हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एक्सरसाइज डज नॉट हेल्प इन मैनेजिंग साइकोलॉजिकल डिसकम्फर्ट नॉट करेक्ट एक्सरसाइज इंक्रीजेस कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस रिड्यूसेस रिस्क ऑफ डायबिटीज एक्सरसाइज हेल्प्स इन मैनेजिंग बोन हेल्थ कौटा ठीक नुह। अच्छा कौटा ठीक नुह एक्सरसाइज डज नॉट हेल्प इन मैनेजिंग साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट एटा ठीक करुची एक्सरसाइज इनकेस इनक्रीजेस कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस एटा ठीक अच्छी एक्सरसाइज रिड्यूसेस रिस्क ऑफ डायबिटिक्स ये भी ठीक अच्छी एक्सरसाइज हेल्प्स इन मैनेजिंग बोन हेल्थ ये भी ठीक अच्छी कुछ कौटा ठीक नुह कौटा डज नॉट दिस एक्सरसाइज डज नॉट हेल्प। अच्छा अच्छा एटा फास्ट हम ऑप्शन एटा हम। ओके से कहे एक्सरसाइज डज नॉट हेल्प इन मैनेजिंग साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट से कहे करे ना कि करे आम साइकोलॉजिकल जो डिस्कम्फर्ट आज एक्सरसाइज आमको बहुत मात्रा साहय कर अवॉइड करने से कहे करे ना तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन द सी इज ड्यू टू एटा हूँ कौन स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स एटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑप्शन सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायट्री डेफिशिएंसी डायट्री खाया बिना कौ रोग हम आपणकर डायबिटीज नाइट ब्लाइंडनेस किडनी स्टोन्स हाइपरटेंशन सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हाइपरटेंशन। टंगस्टेन टंगस्टेन कौन अच्छे हाई रेजिस्टेंस अच्छी हाई मेल्टिंग पॉइंट अच्छे एटा ऑप्शन वन टू
वन टू ऑप्शन ए। मैग्नेटिक एमआरआई जोड़ा हो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग केमती काम कर तो जो आम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दूसरी एमआरआई यूज एक्सटर्नल मैग्नेट टू जेनरेट मैग्नेटिक फील्ड इन आवर बॉडी एटा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा कोड करे ना सीपीयू चिप। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये 100 क्वेश्चन आम डिस्कस कले जो वीडियो टी भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे आ कमेंट करूँ अन्य जो क्वेश्चन किसी डिस्कस करा लाइक ऑडिटर क्वेश्चन हो जी कहे जदि वीडियो भल लगी यदि कमेंट कर जनइबे तो मुझे ऑडिटर क्वेश्चन प्रीवियस टाइम तार क्वेश्चन आज डिस्कस करी। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टे हेल्दी कीप स्माइलिंग। थैंक यू।